नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता बुटीक में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्लीव में डिज़ाइन बनाएंगे और इसे बनाएंगे कोल्ड स्लीव में। तो ये देखिए, ऊपर से मैंने निशान लगाया इस तरह से 3.25 इंची का और चौड़ाई में निशान लगाएंगे हम इस तरह से 1.5 इंची का। आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए, इस तरह से कॉर्नर से हमने यहाँ पर शेप लगाया और ऊपर को इस तरह से हमने मिला दिया 0.5 इंची छोड़ते हुए, यानी कि ड्रॉप शेप में इसकी मैंने मार्किंग कर ली है। सेम मार्किंग पे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करते टाइम बेल के नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो देखिए, मैंने जो कटिंग की है इसके नीचे मैं अस्तर को इस तरह से रख ले रही हूँ और इसके किनारे किनारे हमने एक पैर के मार्जिन से इस पर सिलाई लगा लेनी है। स्लीव पर मैंने अस्तर नहीं लगाया है। अब मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ तो यहाँ मैंने अस्तर लिया है और बिना बुकरम के आपको ये डिज़ाइन बना के मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने शेप के हिसाब से ही यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद में देखिए, इसको हम इस तरह से रखेंगे और अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से हम कट कर देंगे। तो फैब्रिक को हमने यहाँ से कट कर दिया है और यहाँ पर छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे गुलाई वाले हिस्से में। और इस फैब्रिक को हम अंदर की साइड में पलट के इसके ऊपर एक पैर के मार्जिन से यहाँ पर रफ स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पर फिनिशिंग से जो हमारा यहाँ पर हमने कट लगाया है वो बन के तैयार हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस भी कर सकते हैं इस पर। यहाँ देखिए, हमारी सिलाई लग चुकी है और सिलाई लगने के बाद में अब इसको हम पलट के रखेंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 से 1.25 इंची इस तरह से रखते हुए गुलाई में निशान लगा ले रही हूँ और इसी गुलाई से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम फिनिशिंग करने के लिए इसके किनारे किनारे इसको हम अंदर की तरफ 0.5 इंची फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रफ स्टिच लगा लेंगे। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करते टाइम बेल के नोटिफिकेशन और पे क्लिक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ देखिए, हमने इस तरह से सिलाई लगा के इसको फिनिश कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब लगाना है हमें इस पर बॉर्डर। तो बॉर्डर को हमने किस तरह से लगाना है, देखिए बॉर्डर को मैं इस तरह से सीधा करके रख रही हूँ और स्लीव को भी मैंने इस तरह से सीधा करके रखा है। और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमारी सिलाई लग चुकी है इस पर। अब इसको हम पलट के रखेंगे, बॉर्डर को हम बाहर की साइड में निकाल के इस तरह से रखेंगे। अब इस पर हम पलटेंगे और ये जो हमारा किनारी वाला हिस्सा जो स्लीव का है इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगाएंगे बिल्कुल, जिससे कि जब हम बॉर्डर को सीधी तरफ हम टर्न करें तो हमारा फिनिशिंग से जो कपड़ा है वो सेट रहे। अब देखिए, इसको हम इस तरह से सीधी की तरफ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर ऊपर वाली साइड में हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से सेट करना है और इस पर हमें पूरे पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो बॉर्डर हमारा बहुत आसान तरीके से यहाँ पर अटैच हो चुका है। ये देखिए, अब इस डिज़ाइन पे जो हमने यहाँ पर कट लगाया है, इस कट पे हमें यहाँ पर लगाना है मोती वाली लेस। तो आप मोती वाली लेस लगाने के लिए यहाँ पर सिंगल फुट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंगल फुट का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और इसी तरह से रखते हुए यहाँ पर हम गुलाई वाली शेप में इस तरह से इसको लगाते हुए सेट कर लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा जो हमारा यहाँ पर लेस है इसको हम कट कर लेंगे। तो अब देखिए, मेरी लेस यहाँ पर लग चुकी है। अब इसके बाद में दूसरी लेस भी मैं इसके किनारे किनारे से लगा रही हूँ इसी के बराबर रखते हुए। तो इस तरह से गुलाई में हमारी यहाँ पर लेस लग के तैयार हो जाती है और फिनिशिंग से हमारे यहाँ पर कट बन के तैयार हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पर पैटर्न बन के तैयार हो गया है और अब मैं इसमें किनारे की सिलाई लगा रही हूँ सीधी साइड से ही, जिससे कि जो हमारे यहाँ पर इसके जो धागे हैं ये हमारे अंदर की साइड में लग जाए। और उसके बाद इसको हम उल्टा करके इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे, फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और ब्लाउज में मैं फिर आपको इसको अटैच करके दिखाऊंगी। तो देखिए, एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से हम कट कर देंगे और बनने के बाद लुक इसका कुछ इस तरह से आया है। मोती वाली लेस है ये, तो थोड़ी भारी है इसलिए इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। और अब मैं इसमें फिटिंग लगा के और अटैच करके फिर आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।